रीवा में लकड़ी के परिवहन के लिए एनटीपीएस यानी नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लागू कर दिया गया है। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि परिवहन को सरल बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। आने वाले 3 महीनों तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से टीपी जारी की जाएगी। वहीं अगस्त से रीवा में टीपी केवल ऑनलाइन ही जारी की जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली एक देश एक टीपी पर आधारित है, जिसकी मदद से लोगों को अब आसानी से ऑनलाइन टीपी की सुविधा मिलेगी। निजी जमीन, सरकारी डिपो, निजी डिपो से लकड़ी और बांस के राज्य और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए टीपी की निगरानी और रिकॉर्ड रखने में भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध है। इससे ऑनलाइन ट्रांजिट परमिट या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा हो सकेंगे। टीपी डाउनलोड करने से पहले भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। टीपी बनवाने के लिए वन विभाग कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसानों और व्यापारियों को बार बार वन विभाग की जांच चौकियों पर रोका नहीं जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट खर्च और समय की बचत होगी। किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। रीवा वन मंडल में पहली बार एनटीपीएस ट्रांजिट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इसको लागू किया गया है। इससे होता क्या है कि जो भी परिवहन अनुज्ञा पत्र है जो अभी तक ऑफलाइन या फिजिकल मोड में ही चल रहा था, जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया हम पूरी तरह से ऑनलाइन इसके माध्यम से कर दी है। और इससे काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। एक तो लकड़ियों का अगर जो भी परिवहन होता है उसके लिए आवेदक जो हो, या तो वो कास्ट व्यापारी हो सकता है या आरा मशीन संचालक या मालिक हो सकता है, तो वो घर बैठे अपनी लकड़ी के परिवहन के लिए आवेदन लगा सकता है ऑनलाइन। और उसके बाद में ये रेंज ऑफिसर के पास में जाती है आवेदन। उस आवेदन के आधार पे इंस्पेक्शन होता है, जो सिर्फ यही एक पार्ट इंस्पेक्शन ही फिजिकल रूप से होता है। उसके बाद में इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर दी जाती है और रेंज ऑफिसर वो पूरा आवेदन इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ में डीएफओ को भेज देते हैं। डीएफओ सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ एक क्लिक के जरिए हो जाती हैं और अप्रूव होके वापस से रेंज ऑफिसर के पास में जाता है पूरा आवेदन, और उसके आधार पे टीपी इशू हो जाता है। इशू होने के बाद में टीपी या ट्रांजिट परमिट ये ऑटोमेटिकली आवेदक के अकाउंट पे चले जाती है। तो कहीं आवेदक को जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर ऑफिस में वन विभाग के कार्यालयों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके लाभ ये रहेंगे कि जो प्रक्रिया कभी कभार एक एक महीना ले लेती थी, वो हम प्रयास करेंगे कि हफ्ता भर या मैक्सिमम 10 दिन में पूरी हो जाया करे। प्लस इसमें पारदर्शिता काफ़ी रहेगी और आवेदक को काफ़ी सुविधा रहेगी, उसको घर बैठे हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, मतलब टीपी उपलब्ध हो जाएगी। तो क्या सर इसमें आवेदक जो आवेदन होता है उसके लिए भी कोई समयावधि इंस्पेक्शन की तय की गई है? इंस्पेक्शन की समयावधि ये अभी हम चर्चा में और देख रहे हैं कि किस तरह से हम कितनी स्पीड में आवेदनों को प्रोसेस कर पाते हैं। लगभग 1-2 हफ्ते में रेंज ऑफिसर से डिस्कस करके इनकी निर्धारण की जाएंगी किस ड्यूरेशन में किसको कार्रवाई करनी है। जैसे एक रफ एस्टिमेट ये रहेगा कि रेंज ऑफिसर को इंस्पेक्शन कंप्लीट करवा के इंस्पेक्शन रिपोर्ट 5-6 दिन में कंप्लीट करनी है। डीएफओ को 2 दिन के अंदर अप्रूवल देना होगा और उसके बाद में रेंज ऑफिसर के पास में पुनः जब आएगी तो उसको 2 दिन में टीपी इशू करनी होगी। तो कुल ये 10 दिन के अंदर टाइमिंग रहेगी।